हेलो बच्चों, टुडे वी स्टार्ट AITS टेस्ट सॉल्यूशन। वी स्टार्ट विद बायोलॉजी एंड बायोलॉजी द क्वेश्चन स्टार्ट 101 टू 200। एक सेकेंड, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 101 से आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन आया है इस टेस्ट पेपर में, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन आपका दे रखा है कि मैंजीफेरा इंडिका में इंडिका क्या रिप्रेजेंट करता है। आपको पता होना चाहिए कि मैंगो का ये बायोलॉजिकल नेम है, और बायोलॉजिकल नेम एक जीनस और एक स्पीसीज से बनता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है कि ये रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज एपिथेट से, ठीक है ना? इंडिका स्पीसीज को बताता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऐसा क्वेश्चन पेपर लेके बैठिएगा आप, ताकि आप टिक कर सकें। नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन नंबर टू में पूछा है कि एंट अमीबा डिफर फ्रॉम अमीबा। आपको पता होना चाहिए कि अमीबा जो है वो प्रोटिस्टा फाइलम का क्या है, प्रोटोजोआ है। प्रोटिस्टा में एक प्रोटोजोआ है अमीबा, और वहीं एक और है एंट अमीबा। बच्चा पूछ रहा है कि एंट अमीबा अमीबा से कैसे डिफर है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो ऑप्शन दे रखा है न्यूक्लियस, एक्टोप्लाज्म, स्यूडोपोडिया एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। बच्चा जो एंट अमीबा होता है वो एक पैरासाइट होता है। क्या होता है? पैरासाइट। इस वजह से इसको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की जरूरत ही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, है ना? क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 सही है कि इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता, और अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ये डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अरे क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा है, मतलब थर्ड का मतलब 103 से आप समझ लेना। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच द मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी इज फाउंड, है ना? आपको पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा इसमें किंगडम दे रखा है जिसमें मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी तो होगी, है ना? डाइवर्सिटी शो होगी। तो ऑप्शन दिया है मोनेरा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, है ना? मोस्टली आपको पता होना चाहिए कि मोनेरा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 मोनेरा में आते हैं बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया बच्चा कुछ बैक्टीरिया ऐसे कैसे, साइनो बैक्टीरिया। तो कुछ साइनो बैक्टीरिया है जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेंगे, है ना? और कुछ ऐसे हैं जो पैरासिटिक होंगे, कुछ ऐसे हैं जो पैथोजन होंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी इनमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पूछा है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपको पता है 7 रैंक होते हैं, मतलब जिनको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। बच्चा एक एक फिल इन द ब्लैंक्स करके दे रखा है, जिसमें दे रखा है पहले ए गैप है, फिर जीनस दे रखा है, फिर फैमिली दे रखा है, फिर बी गैप है, फिर क्लास दे रखा है, फिर फाइलम दे रखा है। ये क्लास में लिखती हूँ, नहीं तो आप मिस कर जाओगे। फाइलम दे रखा है और फिर सी गैप है, यानी आपको ये गैप भरने हैं सी बी ए। आपको पता होना चाहिए कि 7 रैंक में कौन से स्टार्ट होता है स्पीसीज। ये आ जाएगा स्पीसीज, बी आ जाएगा स्पीसीज, जीनस फैमिली भी आ जाएगा ऑर्डर, क्लास फाइलम किंगडम। तो बच्चा आप देख लीजिए स्पीसीज ऑर्डर किंगडम किस में है। तो क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर हो जाएगा 2, है ना? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2, जिसमें दे रखा है कि ए स्पीसीज होगा, बी ऑर्डर होगा और सी किंगडम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर में दे रखा है बच्चा कि हैप्लॉयड स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया का हैप्लॉयड स्ट्रक्चर पूछ रहा है। पहले तो बताइए फ्यूनेरिया किस में आता है, प्लांट किंगडम के किस डिवीजन में आता है फ्यूनेरिया। हैप्लॉयड स्ट्रक्चर बच्चा फ्यूनेरिया होता है टेरिडोफाइटा डिवीजन में आता है फ्यूनेरिया आपका।
और ऑप्शन दे रखा है कि फ्यूनेरिया में कैलिप्टेरा, एपोफाइसिस, अपर कुलम एंड सेकेंड प्रोटोनेमा। प्रोटोनेमा सही होगा। फ्यूनेरिया में जो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा वो होगा प्रोटोनेमा। मैंने भी अपनी क्लास में आपको ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना के दिखाया था जिसमें से यहाँ पे लीफ निकलती है, यहाँ पे रूट निकलता है, दैट इज प्रोटोनेमा। फिर सेकेंडरी प्रोटोनेमा, और फिर स्टेज हो जाता है क्या, फिर स्टार्ट होता है लीफी स्टेज, है ना। तो बच्चा इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोनेमा, ऑप्शन नंबर टू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखते हैं क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स पूछ रखा है, मतलब कि 106 पूछा है। ये प्रोथैलमस, प्रोथैलस, प्रोथैलस क्या होता है? एकदम इजी सा क्वेश्चन है कि प्रोथैलस क्या होता है। पहले तो जान लीजिए प्रोथैलस एक गैमेटोफाइट है, एक गैमेटोफाइट है, और वो भी ऐसा गैमेटोफाइट है बच्चा जो फ्री है, फ्री लिविंग। व्हाई इट इज नोन एज फ्री लिविंग? इसको फ्री लिविंग क्यों कह रहे हैं? फ्री लिविंग इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसको डिपेंड ही नहीं रहना है दूसरे अदर प्लांट्स पे। अदर प्लांट्स मीन्स जिस प्लांट का ये पार्ट है। क्यों? तो क्योंकि इस गैमेटोफाइट में मेल गैमेट भी बनेगा, मेल गैमेट बनेगा और फीमेल गैमेट भी बनेगा। इस वजह से प्रोथैलस एक क्या है, गैमेटोफाइट है, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आप डायरेक्ट जाइए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर थ्री, इसमें ही दे रखा है कि गैमेटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर है ना। तो इसका हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री कि ये एक फ्री लिविंग गैमेटोफाइट है टेरिडोफाइटा का, है ना। अब आते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन यानी 107। क्वेश्चन नंबर 107 में पूछ रखा है, 107 में पूछ रखा है कि मेंबर ऑफ विच किंगडम हैव सेल वॉल एंड ऑल हेटरोट्रॉफिक। ऐसा किंगडम बताइए जिसमें सेल वॉल भी हो और सभी के सभी कैसे हो, हेटरोट्रॉफिक हो। कभी भी क्वेश्चन को टिक करने की कोशिश क्या करिए, तो ऑप्शन देखा करिए, ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। ऑप्शन क्या दिया, प्लांटी। अब बच्चा प्लांटी में सेल वॉल है बट वो तो ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑप्शन है फंजाई, फंजाई में काइटिन की सेल वॉल होती है और सारे के सारे फंजाई हेटरोट्रॉफिक होते हैं, है ना। चाहे कोई पैरासिटिक हो, चाहे कोई सेप्रोफाइटिक हो, बट सारे हेटरोट्रॉफिक होते हैं। थर्ड है एनिमेलिया, एनिमेलिया हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो करता है बट सेल वॉल होता ही नहीं है। और लास्ट बच्चा प्रोटिस्टा, आपको पता होगा एनसीईआरटी में प्रोटिस्टा के लिए ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्टा, हेटरोट्रॉफिक प्रोटिस्टा, डीकम्पोजर, कंज्यूमर, ऐसे अलग अलग करके दे रखा है। यानी इसमें सुटेबल आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, फंजाई, क्योंकि बेटा फंजाई के पास काइटिन की लेयर भी होती है, मतलब काइटिन की सेल वॉल भी होती है और सभी के सभी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो इस वजह से आपका क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर टू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 108 यानी क्वेश्चन नंबर 8, है ना। परेशान मत हो जाना कि एक बार 107 कैसे आ गया, मैंने पहले ही बता रखा है कि 1 2 3 में बोल रही हूँ, आप इसको 107 ऐसे करके पढ़ना। 108 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स गिवन बिलो डिस्प्ले द डिस्क्रिप्शन ऑफ लोवेस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम, है ना। सबसे लोवेस्ट कैटेगरी, लोवेस्ट कैटेगरी के बारे में जानना चाह रहा है। आप पहले भी देख लो लोवेस्ट कैटेगरी कौन सी है, स्पीसीज है। और स्पीसीज की डिफिनेशन में आप क्या लिखना चाहेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म मुझे रिजेंबल हो, है ना, जो रिप्रोडक्टिवली क्या हो, आइसोलेटेड हो। तो इसमें क्वेश्चन पढ़िए, वन मोर देन ऑर्डर नहीं, गलत है, वन और मोर फैमिली नहीं, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म दैट रिजेंबल वन एनदर, ऑप्शन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि सभी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 109 क्वेश्चन नंबर, है ना।
इसमें क्या दे रहा है बच्चा, इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109 में, स्ट्रोबिली कोन आपको पता होना चाहिए पहले, स्ट्रोबिली कोन किसका कैरेक्टर है, स्ट्रोबिली, स्ट्रोबिली कोन किसका कैरेक्टर है, ये तो कैरेक्टर है जिम्नोस्पर्म का, जिसमें जो लीफ होती है बच्चा वो कम्पैक्टली अरेंज हो जाती है और स्टेबली कोन का फॉर्मेशन कर लेती है, और यही कोन क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन कराते हैं। तो कह रहा है स्ट्रोबिली कोन आर फाउंड इन, किसमें पाया जाता है, बट इसमें दे रखा है सारे टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा के ऑप्शन, सेल्विनिया, पिटेरिस, मर्चेंटिया और इक्विसेटम, बच्चा ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर 4, इक्विसेटम, और इक्विसेटम को बोलते हैं बच्चा हॉर्सटेल, क्या बोलते हैं, हॉर्सटेल, है ना। इक्विसेटम में जो स्ट्रोबिली प्रेजेंट है, आप ये भी देखिए इसमें जो स्ट्रोबिली प्रेजेंट है ये इवोल्यूशन में दिखा रहे हैं, है ना, कि कैसे टेरिडोफाइटा के बाद से क्या आ जाएगा, जिम्नोस्पर्म आ जाएगा। टेरिडोफाइटा में लीफ का बनना शुरू हुआ था, यानी लीफ माइक्रोफिल मेगाफिल में जानी गई थी, अब इसके बाद से जिम्नोस्पर्म आ जाएगा, जिम्नोस्पर्म में वो लीफ क्या हो जाएंगे, स्ट्रोबिली में अरेंज हो जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, क्या हो गया इसे 110, ठीक है 110, क्वेश्चन नंबर 110, इसमें देखिए वन वन जीरो में क्या कह रहे हैं, पढ़िए खुद से ही, पढ़ते रहिए क्वेश्चन और समझते रहिए कितना आपने सही किया है। व्हाट इज द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ आईसीबीएन, आईसीबीएन के बारे में पूछा बच्चा, आईसीबीएन, आईसीबीएन का मतलब इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल, बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। अरे बच्चा ये तो क्या बताएगा, नाम लिखना सिखाएगा आपको आईसीबीएन। अब इसने दिया है कि बायोलॉजिकल नेम कैसे लिखेंगे, कैसे आप जानेंगे, अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन गलत दिख रहा है आपको, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जानना है, ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन में दे रखा है कि हैंड रिटन जो होता है वो अंडरलाइन होना चाहिए, हाँ अंडरलाइन होना चाहिए, साइंटिफिक नेम लैटिन वर्ड में होना चाहिए और इटैलिक थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि एवरी स्पीसीज शुड हैव जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम, सही है, जीनस और स्पीसीज का नाम होना चाहिए, जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा बच्चा आंसर नंबर 4 ऑप्शन, है ना, 4 ऑप्शन टिक करेंगे आप, क्योंकि 4 ऑप्शन गलत है, ये नहीं कहता, ये कहता है कि जो जीनस होता है, जीनस, जीनस को आप लिखिए कैपिटल लेटर में, और बच्चा स्पीसीज को लिखेंगे, स्पीसीज को लिखेंगे आप स्मॉल लेटर में, और ऑप्शन दे रहा है कि दोनों को स्मॉल लेटर में लिखिए, तो गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 111, क्वेश्चन नंबर 111, है ना, क्वेश्चन नंबर 111 में देखिए, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली रिटेन इन लैटिन लैंग्वेज, बायोलॉजिकल नेम किस में लिखते हैं, लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं और फिर इटैलिक कर देते हैं, बायोलॉजिकल नेम किस में लिखते हैं बच्चा, लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं, वाई लैटिन लैंग्वेज, क्यों लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं, वाई क्यों लिखते हैं बच्चा, अब इसका आंसर बच्चा इसलिए लिखते हैं क्योंकि एक डेड लैंग्वेज है, डेड लैंग्वेज किसी कंट्री की लैंग्वेज नहीं है, किसी कंट्री की लैंग्वेज है ही नहीं नेटिव लैंग्वेज, तो इसलिए हमने सारे नाम क्या किए हैं लैटिन लैंग्वेज में लिख दिए। दूसरा क्या, वन वर्ड इक्वल टू वन मीनिंग, अब जैसे इंग्लिश में अगर नाम लिखते हैं, इंग्लिश में एक शब्द के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, है ना, बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जैसे डेट, डेट मतलब दिनांक, डेट मतलब खजूर, लेकिन लैटिन लैंग्वेज में एक शब्द का केवल एक ही मतलब होता है, इसलिए हमने बायोलॉजिकल नेम को किस में लिखना शुरू कर दिया, लैटिन लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दिया, है ना। तो देखिए बच्चा ये लैटिन लैंग्वेज, ओ सॉरी, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। हाँ तो इसका आंसर आप क्या कर देंगे, लैटिन लैंग्वेज, ऑप्शन बी है ये आंसर। 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। 112 का देखिए, 112 में क्या पूछ रखा है, स्टडी द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड गिव द आंसर। सारे स्टेटमेंट को पढ़ना है और आपको देखना है कि कितने स्टेटमेंट क्या है सही है। जैसे जीनस रिलेटेड स्पीसीज से बना हुआ है पहला ऑप्शन, दूसरा टैक्सोनॉमी रिप्रेजेंट करती है किसको, जितने भी टैक्सा हैं, 7 टैक्सा हैं, मतलब ये तो 5 ही है, 7 टैक्सा हैं, और 7 टैक्सा बच्चा कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, तो कह रहा है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, नहीं ये तो गलत है, इंडिविजुअल के ग्रुप से टैक्सा नहीं बना। जैसे स्पीसीज से के ग्रुप से जीनस बना है, जीनस के ग्रुप से फैमिली बनी है, फैमिली के ग्रुप से ऑर्डर बना है, इंडिविजुअल के ग्रुप से नहीं बना है। फैमिली रिलेटेड जेनेरा की ग्रुप है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में जो क्लास है वो रिलेटेड ऑर्डर रखती है बाकी सबसे, यानी दूसरा गलत है। तो कितने ऑप्शन सही हो गए, 4 में से 3 है ना, 3 स्टेटमेंट सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 3। ऑप्शन नंबर देखो कितनी अच्छी बात है, ऑप्शन भी 3 है और आंसर भी 3 है, बस 3 स्टेटमेंट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 113। 113 में पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोस्पोरस। कितनी अच्छी क्वेश्चन है ये, हेटेरोस्पोरस। अलग अलग आपको एग्जाम्पल याद कर लेना चाहिए कि होमोस्पोरस गैमेट वाले कौन से हैं और हेटेरोस्पोरस वाले कौन से हैं, है ना। प्लांट किंगडम में हेटेरो अलग अलग स्पोर कौन बनाते हैं, यानी मेल और फीमेल, ये मेल फीमेल अलग अलग हो तो हेटेरोस्पोरस, और अगर एक जैसे हो तो होमोस्पोरस। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113 में दे रखा है, एडियंटम ड्रायोपेटेरिस इक्विसेटम सेल्विनिया, सेल्विनिया आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर हो जाएगा बच्चा, आंसर क्या है, चौथा, फोर्थ ऑप्शन, सेल्विनिया। बाकी सब कैसे हैं, होमोस्पोरस हैं, याद कर लीजिए, ड्रायोपेटेरिस इक्वेस एटम ये सब लोग कैसे होमोस्पोरस, एक जैसा स्पोर बनाते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114, 114 में क्या पूछ रखा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। ये तो मैं नहीं बताने वाली, ये आप करिए खुद से, कितना इजी क्वेश्चन है, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी उसका सीक्वेंस पूछ रहा है आपसे, सीक्वेंस देखिए कैसा है। अब सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि स्पीसीज, फिर आएगा जीनस, फिर आएगी फैमिली, फिर आएगा ऑर्डर, फिर आएगा क्लास, फिर आएगा फाइलम या डिवीजन, और फिर आएगा बच्चा किंगडम। अब देखिए किस ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है, ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन कौन सा सही है, चलो ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन सही है ना। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, अरे चलिए क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, 115 ICJN पूछ रखा है कि ICJN बताइए भैया हमको, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ICJN कितना इजी क्वेश्चन है ये, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये क्या करता है बच्चा, जितने भी एनिमल्स नेम आप देखते हैं, एनिमल के नेम, ये ऑर्गेनाइजेशन एनिमल नेम रखने में आपकी हेल्प करती है, ICJN। ICJN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल, ये समझ लेना, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ऑप्शन देखिए 115 का ऑप्शन नंबर 1, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ये इसका आंसर है बच्चा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे, 116 में रीजन एसेशन दे रखा है, और इजी सा रीजन एसेशन है, आप अपने पेपर में पढ़िए, एसेशन दे रखा है कि इन जिम्नोस्पर्म
पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरिड बाई एयर करेंट, है ना। एयर करेंट से क्या हो जाता है, जो पॉलन ग्रेन बनते हैं वो पॉलन ग्रेन एयर करेंट के थ्रू माइक्रोस्पोरेंजियम से निकलते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजियम से कहाँ जाते हैं, पॉलिनेशन होता है ना। ये बता रखा है आपको एसेशन ने कि माइक्रोस्पोरेंजियम से पॉलन ग्रेन निकल के एयर करेंट के थ्रू बाहर जाते हैं। रीजन क्या कह रहा है कि एयर करेंट कैरी द पॉलन ग्रेन टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया वेयर द मेल गैमेट आर डिस्चार्ज एंड पॉलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म। ये तो गलत बात है भाई। अगर पॉलन ग्रेन एयर करेंट के थ्रू किसमें जा रहा है, ऐसा नहीं होता ना, आर्किगोनिया आर्किगोनिया तो ऐसा होता है, इस आर्किगोनिया में जा रहा है ना, इस आर्किगोनिया में जा रहा है। तो कह रहा है कि आर्किगोनिया में अगर पॉलन ग्रेन जाता है एयर करेंट से तो वो पॉलन ट्यूब नहीं बनाता। अगर पॉलन ट्यूब नहीं बनाएगा तो एग सेल को मेल गैमेट कैसे पहुंचाएगा, यानी यार क्या है? गलत बात कह रहा है। तो इसका ऑप्शन आप ढूंढिए, ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। पॉलन ग्रेन एयर की मदद से जाएगा तो, लेकिन वो पॉलन ट्यूब बनाएगा हाँ, और दूसरे में कह रहा है पॉलन ट्यूब नहीं बनाएगा, तो ऐसे ये गलत हो गया। ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैसा, 117 देखिए क्या कह रहे हैं। 117 कह रहा है कि एज वी गो फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज, अगर हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाते हैं, अगर हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाते हैं तो जो कॉमन कैरेक्टर है वो क्या होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज। मैंने आपको इसको ऐसे याद कराया था कि जैसे समझिए आपका कंट्री है इंडिया, इंडिया में 28 स्टेट है, उस 28 स्टेट में से आप किस स्टेट में रहते हैं, यूपी में। अभी मैं मान लेती हूँ यूपी में रहते हैं। अब यूपी में, यूपी एक स्टेट है, इस स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होंगे, आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, प्रयागराज में रहते हैं, प्रयागराज में बहुत सारी सिटी होंगी है ना, छोटे छोटे कस्बे होंगे, जैसे टैगोर टाउन है ये पांडे क्लासेज है, तो ऐसे अब उस कस्बों में गली होगी, मोहल्ला होगा, मोहल्ले में आपका घर होगा, तो ऐसे आप क्या हो गए, जितना ज़्यादा आप पास की चीज़ों को पढ़ेंगे, पास की चीज़ों को पढ़ने का मतलब है मेरा कि जैसे आपने कंट्री बताया वो इंडिया में, अगर आपको ढूंढा मैं कहाँ ढूंढूंगी, इंडिया तो बहुत बड़ी है। अच्छा इंडिया में आप यूपी बोल दो, यूपी में किस शहर में जाऊँगी, लेकिन आपने डिस्ट्रिक्ट बता दिया प्रयागराज में, तो मैं और मेरे को ढूंढना और ईजी हो जाएगा। प्रयागराज में अगर आप अपना लोकेशन बता देते हो, मतलब कि अपना कस्बा बता देते हो कि मैं अल्लाहपुर में रहता हूँ, मैं बलुआघाट में रहता हूँ, मैं टैगोर टाउन में रहता हूँ, कटरा में रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, तो मुझे और ईजी हो जाएगा ढूंढना। और उसके बाद से आप उसमें भी अपना घर का नंबर बता दो तो और अच्छी बात है। सेम ऐसे बच्चा किंगडम है, अब टोटल 5 किंगडम है। अब किंगडम में अगर प्लांट्स की बात करें तो 5 डिवीजन है, और अगर एनिमल्स की बात करें तो 5 फाइलम है। अब अगर किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना है तो किंगडम से कैसे जानेंगे, लेकिन किंगडम से धीरे धीरे अगर हम स्पीसीज तक आएँ तो हम पर्टिकुलर उनके कैरेक्टर्स को, उनकी सिमिलरिटी को पहचान जाएंगे। तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि किंगडम से अगर स्पीसीज की तरफ आते हैं तो जो कॉमन कैरेक्टर ही पूछा है ना, हाँ कॉमन कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, और इंक्रीज वाला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा ऑप्शन 2, है ना। मैंने सोचा था अलग कलर से आंसर लिखूंगी लेकिन अब मिस कर जा रही हूँ मैं ये ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 118। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछ रखा है कि इन टेरिडोफाइटा गैमिटोफाइट रिक्वायर टू गो, एकदम एनसीईआरटी की ये लाइन है ना, जहाँ पे टेरिडोफाइटा का शुरू हो रहा है आपका पैरा, वहीं से कह रहा है गैमिटोफाइट कहाँ ग्रो कर पाएगा, उसको ग्रो करने के लिए कैसा इन्वायरमेंट चाहिए। ऑप्शन दे रखा है कि कूल, डैम्प एंड सैडी प्लेसेस, तुरंत टिक कर दीजिए, यही ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर 1।
आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर वन, गैमेटोफाइट को ग्रो करने के लिए ठंडे मॉइस्ट जगह चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके, है ना। बस क्वेश्चन नंबर 119, चलो उधर भी लिखती हूँ मैं, ऐसे टाइम ज्यादा लग रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119 में देखिए क्या पूछा है। पाइरिनोइड, पाइरिनोइड ये कहाँ पाया जाएगा? पाइरिनोइड पहले जानो, पाइरिनोइड क्या होता है बच्चा? ये स्टार्च स्टोर करता है, स्टार्च स्टोर करता है, ठीक है। और ये एक ही, अगर जब भी कहीं आप पाइरिनोइड पढ़ें, इसका एक ही इसे रिलेशन है क्लोरोप्लास्ट से। किससे रिलेशन है बच्चा? क्लोरोप्लास्ट से, है ना। अब ऑप्शन में देखिए, क्लोरोप्लास्ट है, हाँ है। ऑप्शन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन नंबर थ्री, ऑप्शन नंबर थ्री सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पाइरिनोइड एक स्टार्च स्टोर करने वाला सिस्टम है, समझिए, जो क्लोरोप्लास्ट में रहता है। यही पूछ रखा है। 119 सॉल्व कराना मैंने, 120 क्वेश्चन नंबर देखना है आपको, 120 क्वेश्चन नंबर 120 देखिए बच्चा। डाइकैरियोफेज ऑफ फंजाई, डाइकैरियोफेज, कुछ चीजें तो डायग्राम से याद कर लिया करिए। डाइकैरियोफेज, डाई मतलब टू, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, टू न्यूक्लियस वाला फेज आपको चेक करना है कि किस वाले फंजाई की क्लास में पाया जाएगा। हाइफा देखा होगा, हाइफा में ऐसे स्ट्रक्चर बनाया होगा सेप्टा का, और इस सेप्टा के अंदर आपने दो न्यूक्लियस बनाया होगा, है ना। ये डाइकैरियोटिक फेज है बच्चा। डाइकैरियो क्यों है? दो न्यूक्लियस क्यों है? ताकि ये फ्यूज करें, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर ये शेयर करेंगे और शो करेंगे तो ये डाइकैरियोटिक फेज शो करेंगे। अब आप देख लीजिए कि कौन सा क्लास फंजाई का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, तो आपको पता होना चाहिए। एक है एस्को, एस्कोमाइसिटीज, और एक है बेसिडियोमाइसिटीज। याद कर लीजिए, चार ही क्लास होती है। चार क्लास में जो फाइकोमाइसिटीज है वो इतना वेल डेवलप है ही नहीं, और जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है, ड्यूटेरो लास्ट वाला, उसको तो कहते ही है इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई। क्यों इम्परफेक्ट कहते हैं? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं शो करता है, इसलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। बच्चे ये दोनों लोग ऑप्शन देखिए दे रखा है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी टिक कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 120 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चा? क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन सही हो जाएगा फोर। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? फोर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे। लाओ मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 121 तो और इजी है। मैच द फॉलोइंग दिया है, ऐसे बड़े क्वेश्चन देख के परेशान नहीं होना है। मैच द फॉलोइंग में तुम कोशिश क्या करो कि किसी एक को ही मैच कराओ और उसको ऑप्शन में ढूंढने की कोशिश करिए। अब जैसे दे रखा है ऑप्शन वन, कॉलम वन में वीट, मैन, मैंगो, हाउस फ्लाई, कॉलम टू में होमो, मस्का, मेंजीफेरा, ट्रिटिकम। आप वन को ही, चलिए पहले को ही टिक करते हैं, वीट, है ना। कॉलम वन में वीट दिया हुआ है, नहीं जा रहा लग रहा है ये वीट। वीट क्या है बच्चा? ट्रिटिकम, इसका नाम ही है ट्रिटिकम। और ये क्या है? मोनोकॉट है। इसकी क्लास कौन सी है? मोनोकॉटिलेडॉन, ये मोनोकॉट है। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यार, ये क्या बच्चा? मोनोकॉट, है ना। अब देखो ये ऑप्शन पहले का बी और फिर वन, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देखिए किसमें किसमें है। 1D1, मुझे लगता है बस पहले में ही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 टिक कर दीजिए। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1। कोई भी इशू आपको लगेगा कलर से लेके वॉइस से लेके, तो आप मुझे बता देना कि आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है।
बच्चा ऑप्शन नंबर वन इसका सही हो जाएगा। आप कहें तो मैं पूरा सॉल्व कर देती हूँ। वीट का नाम ट्रेटिका मोनोकॉटिलेडॉन होता है। मैन, मैन का आपको पता होमो सेपियंस होता है ना, मैन का होमो यानी दूसरे का पहला होमो। और होमो क्या है, मैमेलिया है, मैमरी ग्लैंड इनमें होता है, मैमेलिया इनकी क्लास है। तो दूसरे का ए और चौथा, देखिए ऑप्शन नंबर वन में दिया है, सेकेंड ए फोर्थ। फिर तीसरा है मैंगो मैंजीफेरा, मैंजीफेरा सेपिनडेलिस में आता है यानी डाइकॉट है ना, सेपिनडेलिस ऑर्डर डाइकॉटिलेडॉन। फिर क्या बचा बच्चा आपका, हाउस फ्लाई हाउसो मस्का डोमेस्टिका, मस्का और इंसेक्टा कीड़ा है ही, आर्थ्रोपोडा की इंसेक्टा क्लास है बस। तो यानी पहला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1-2-2, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 1-2-2 क्या पूछा है, अरे पिंक से लिखूंगी मैं अब, जाओ क्वेश्चन नंबर 1-2-2 क्या पूछा है। 1-2-2 पूछा है आईसीबीएन, आईसीबीएन है ना। अब आईसीबीएन देखो जरा, आईसीबीएन किसके लिए स्टैंड करता है, अब ये क्या बताना है। इंटरनेशनल कोड याद कर लो, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल, बोटानिकल नोमेनक्लेचर। जितने भी प्लांट्स हैं उनका नाम अगर आपको रखना हो तो आप किसके हेल्प लेंगे, आप हेल्प लेंगे आईसीबीएन की, है ना। तो बस स्टैंड फॉर ऑप्शन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन वन सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1-2-3, 1-2-3 क्वेश्चन देखिए। इन बेसिडियोमाइसिटीज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पूछ रहा है, बेसिडियोमाइसिटीज में पंजाई की एक क्लास बेसिडियोमाइसिटीज, कह रहा है वेजिटेटिव बताइए। सबका ही वेजिटेटिव आप याद कर लो, फ्रेगमेंटेशन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है, फ्रेगमेंटेशन से, फ्रेगमेंटेशन। फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन से, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कोनिडिया फॉर्मेशन से, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। तो फ्रेगमेंटेशन कौन सा आंसर सही है, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 1-2-1 का कौन सा आंसर सही है, फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन फोर सही है ना, ऑप्शन फोर फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1-2-4 क्वेश्चन देखेंगे। 1-2-4 में देख रखा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच, इनकरेक्टली कौन सा मैच है ना, माइक्रोफिल, माइक्रोफिल मतलब माइक्रो, देखो मेन को छोटा कर दो आप बस, कितने भी मेल हैं, माइक्रो प्लांट्स के लिए, मैं ऐसे नहीं छोटा करने के लिए कह रही, माइक्रो फिल यानी मेल लीफ की बात कर रहे हैं ये, मेगा फिल ये सब तो देखा ही हमने है ना, मेगा फिल फीमेल लीफ। और क्या दे रखा है बच्चा, लीफ स्टेज प्रेजेंट, अच्छा लीफ स्टेज प्रोटोनेमा, लीफ स्टेज प्रोटोनेमा। अभी इस प्रीवियस का अगर क्वेश्चन ही मन से पढ़ते तो समझ में आ जाता, प्रोटोनेमा पूछा था, फ्यूनेरिया में पाया जाता है और इसमें फ्यूनेरिया दे भी रखा है, ये तो एकदम सही है। मेगाफिल फर्न दे रखा है ना, फर्न एकदम सही है। सिलेजिनेला दे रखा है, एकदम सही है। पूछ रखा है वेल डेवलप्ड वस्कुलर टिश्यू, वेल डेवलप्ड ये तो एकदम लिखना बनता है, ऐसे ही दिख रहा है कि ये गलत है, वेल डेवलप्ड वस्कुलर, वस्कुलर टिश्यू बेटा, वस्कुलर टिश्यू मतलब देखो मैं क्या लिख दी, वस्कुलर सिस्टम लिख दी, वस्कुलर टिश्यू बेटा, वस्कुलर टिश्यू का मतलब जाइलम और फ्लोएम। हाँ मैं समझ रही हूँ कि आपने आंसर दे दिया है ना, जाइलम एंड फ्लोएम बेटा किसमें होगा,
आप याद कर लीजिए, प्लांट किंगडम के 5 डिवीजन है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजियो, ठीक है ना। एल्गी और ब्रायो में वो ये ट्रैकियोफाइट नहीं है, ए ट्रैकियोफाइट है, मतलब इनमें ये वेसल्स नहीं पाए जाते हैं, टेरिडो फाइटा से ये वेसल्स प्रेजेंट है। और ऑप्शन दे रखा है मर्केंशिया, मर्केंशिया, मर्केंशिया तो ब्रायोफाइटा है, ये क्या होता है ब्रायो, और ब्रायो में तो वस्कुलर पाया ही नहीं जाता, तो फिर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ नंबर, तो इसका कौन सा आंसर सही है, 1, 2, 4 क्वेश्चन नंबर का, फोर्थ। इनकरेक्टली मैच ढूंढना था, इनकरेक्टली मैच कौन सा है, फोर्थ नंबर, क्योंकि कह रहा है कि वेल डेवलप्ड वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है मर्केंशिया में, बट मर्केंशिया इज अ ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइटा इज ए ट्रैकियोफाइट, यानी ब्रायोफाइटा में वस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1, 2, 5 है ना, 1, 2, 5 क्या पूछ रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है, ब्राउन एल्गी पॉसेस क्लोरोफिल, ए बी कैरोटीनॉइड एंड जेंथोफिल, है ना ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्या पूछा है, मेजोरिटी ऑफ रेड एल्गी आर फ्रेश वाटर, नहीं मेराइन वाटर है, वॉलवॉक्स, फ्यूकस, यूलोथ्रिक्स आर ग्रीन एल्गी, नहीं फ्यूकस नहीं है, फ्यूकस ग्रीन एल्गी नहीं है। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस इन आइसोगैमस एंड हूगैमस इन ब्राउन एल्गी, एकदम सही है, एकदम सही, ऑप्शन फोर, ऑप्शन फोर क्या बच्चा, एकदम करेक्ट है, आइसोगैमस, बताइए आइसोगैमस मतलब, कहीं भी अगर वर्ड आ जाएगा, रूट वर्ड पढ़ना सीखे बायो में, आइसो मतलब होता है सेम, यानी मार्फोलॉजी सेम होगी गैमेट की, तो आइसोगैमस। दूसरा क्या कह रहा है, एन आइसोगैमस, एन आइसोगैमस, एन आइसो मतलब डिफरेंट, यानी गैमेट कैसे बनेंगे, डिफरेंट बनेंगे, डिफरेंट डिफरेंट गैमेट, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई मोटाइल कोई नॉन मोटाइल। और दूसरा क्या कह रहा है, ऊ गैमस, ऊ गैमस तो स्पेशल क्वालिटी है बच्चा, ऊ गैमस में जो मेल होगी, सॉरी मेल होगा, जो मेल होगा वो होगा नॉन, सॉरी मोटाइल, और कैसा, और होगा स्मॉल साइज का, और जो फीमेल होगी, फीमेल होगी आपकी नॉन मोटाइल, और एकदम लंबी चौड़ी लार्ज साइज की, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं ऊगैमस। और ये तीनों ही कंडीशन ब्राउन एल्गी में देखने को मिलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, ब्राउन एल्गी है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बस यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फोर। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5 का ऑप्शन नंबर फोर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6, वन ऑफ द लिविंग सिंबल ऑफ वायरस, लिविंग सिंबल पूछ रहा है, आपको पता है कि वायरस क्या होता है, नॉन लिविंग भी होता है और लिविंग भी होता है, तो ऐसा क्या है जो लिविंग सिंबल है वायरस में, तो बेटा वायरस जो होता है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट मतलब जिद्दी, जिद्दी है एकदम, जब तक लिविंग बॉडी में जाएगा नहीं तब तक वो लिविंग होगा नहीं, ये उसका जिद है, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन कौन सा सही है, वन, ऑप्शन वन सही है इसका। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 7, 1, 2, 7 में देखो बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन यूकैरियोट्स, इतना इजी क्वेश्चन है ये, आपको यूकैरियोट्स देखना है कौन सा नहीं है, यूकैरियोट्स कौन सा नहीं है, ऑप्शन देखो, पैरामीशियम, अरे बेटा पैरामीशियम किसमें आता है, पैरामीशियम, पैरामीशियम आता है प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा का एक प्रोटोजोआ है ना, प्रोटोजोआ, ये तो जरूर ही यूकैरियोटिक होगा। दूसरा क्या दे रखा है, यूग्लीना, ये भी क्या है प्रोटिस्टा में आता है, यूग्लिनोइड। नेक्स्ट क्या दे रखा है, एस्चेरिचिया कोलाई, मतलब कि ई कोलाई, ये तो बैक्टीरिया है ना, ई कोलाई तो बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया आता है मोनेरा किंगडम में,
और मुनीरा के सभी लोग कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक। तो बेटा ये क्या है? प्रोकैरियोटिक है, यानी एस्चेरिचिया कोलाई आपका यूकैरियोट्स नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर टू कौन सा सही है? ऑप्शन टू, ऑप्शन टू बेटा आपका सही है ना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 128। वन टू एट पूछ रहा है द स्पीसीज मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट, डॉग, कैट, लॉयन, टाइगर, पोटैटो, ब्रिंजल, मकोई एंड लीपर्ड। इनमें टोटल कितने अलग अलग फैमिली है ये पढ़ना है। लिख लेते हैं पहले, देखो जो एक पास है मैं उनको लिख देती हूँ। जैसे कैट, कैट, लॉयन, टाइगर, लीपर्ड, ये सब एक ही खानदान के तो हैं। कैट, लायन, टाइगर, लीपर्ड, ये लोग एक ही फैमिली के आते हैं, मतलब फैमिली फेलिडी, फेलिडी फैमिली। पोटैटो, ब्रिंजल, मकोई, याद करो सोलेनम के ही हैं, एक ही इनका क्या है वो है जीनस है। पोटैटो, ब्रिंजल और मकोई, बेटा इनकी फैमिली क्या हो जाएगी? सोलेनेसी। दो फैमिली हमने चूज कर ली, बाकी कौन बचा? बचा है मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट। बेटा मैन तो मैन है, मैन किस में चला आएगा, किस फैमिली में? होमिनिडी। हाँ मैन ही छोटा है ना मैम, होमिनिडी। फिर क्या छूट रखा है मैन के बाद से है? हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई है ना, हाउस फ्लाई। देखो बच्चा, हाउस फ्लाई, मस्किडी, मस्किडी। नेक्स्ट क्या बचा है? वीट शायद से, हाँ वीट बचा और मैंगो बचा है। वीट और क्या बचा है? मैंगो। वीट तो आपको पता ही है पोएसी फैमिली, पोएसी फैमिली। और मैंगो आता है बच्चा एनकार्डेसी फैमिली, एन कार्ड ए सी फैमिली। ये एन है, एन है ना, कुछ भी बन जा रहे हैं। क्या देखा हमने? एक क्लास, एक फैमिली, दो फैमिली, तीन फैमिली, चार फैमिली, पांच फैमिली, छह फैमिली है ना। कुछ छूट गया लग रहा है, डॉग छूट गया। डॉग, डॉग, डॉग आता है कैनेडी में। टोटल सेवन फैमिली। तो क्वेश्चन नंबर 128, 128 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है? सात किस्में हैं, दूसरे नंबर में ऑप्शन टू सही है, क्योंकि टोटल कितने हैं? सेवन फैमिली हैं। ऐसे अलग अलग लिख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कितनी फैमिली पूछ रहा है ना। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। पूछा कोलोनियल एल्गी बताइए, थोड़ी सी भी एनसीईआरटी आपने देखी होगी अगर, कोलोनियल एल्गी, और डायग्राम जरूर देखा करिए एनसीईआरटी का। आपने देखा होगा एक गोल गोल ऐसे बना होगा पूरा, है ना, ढेर सारा इसमें ऐसे ऐसे। ये वॉलवॉक्स होता है बच्चा, वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स जो है वो कोलोनियल एल्गी है ना। कौन सा एल्गी है? कोलोनियल एल्गी है। इसका आंसर हो जाएगा, अरे वॉलवॉक्स। ऑप्शन कौन सा है? वन, यानी 129 का ऑप्शन वन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 130, 130। मैच द फॉलोइंग है, फिर से मैच द फॉलोइंग में क्या करते हैं? जो आपको लगता है कि इसका तो यही होगा, चारों में से जो आपको क्लियरली पता है, आप उसको पहले दिखा करिए आंसर में वो है कि नहीं। मैं टेक्सा लेती हूँ, टेक्सॉन,
है ना। टेक्सॉन किसको बोलते हैं? ए टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक को, यानी ए का हो जाएगा दूसरा, ए का दूसरा होना है मेरी तरफ से। स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बी का होना है पहला। अब आप इतने से ही पहले ऑप्शन में देख लो, ए का दूसरा और बी का पहला, बस एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। तो 130 का ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जिस पे आप क्रिस्टल क्लियर हो उसको जरूर टिक कर लिया करें। आप इस पे क्रिस्टल क्लियर हैं कि जो बेसिक यूनिट होता है क्लासिफिकेशन का वो स्पीसीज ही होता है, और 7 टेक्सॉन या 7 रैंक हमारे पास है। टेक्सॉन किसको बोलेंगे? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के एवरी रैंक को। बस दो हमें डिफिनेशन पता थी, हमने दो से ही ऑप्शन क्या कर लिया अपना, देख लिया, आइसोलेट कर लिया ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 131। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्लेस द प्लांट हैविंग वास्कुलर टिश्यू लैकिंग सीड। कितना अच्छा क्वेश्चन है, वास्कुलर टिश्यू तो है, वास्कुलर टिश्यू क्या है बेटा? प्रेजेंट है, बट सीड क्या है? एब्सेंट है। ये दो कैरेक्टर आपको देखने हैं, क्या लगता है आपको? मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि एलगी ब्रायोफाइटा, इन दोनों में वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है। टेरिडो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन तीनों में वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। सीड को कैसे याद करेंगे? सीड बस होता है जिम्नो में और एंजियो में, तो बचा क्या? टेरिडो, तो यानी हो जाएगा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में बीज तो नहीं बन पाती बट वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है इनके पास। तो आपका 131 क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा बेटा, टेरिडोफाइटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 132, क्वेश्चन 132 देखो बच्चा। इन पाइनस जिम्नोस्पर्म द हैप्लॉयड स्ट्रक्चर, कितना इजी आपको पता होना चाहिए कौन सा यन है कौन सा 2n है, कौन सा हैप्लॉयड है कौन सा डिप्लॉयड है। हैप्लॉयड डिप्लॉयड देखेंगे बेटा, ऑप्शन देख लो, मैं बोल देती हूँ। मेगा स्पोर्ट, इंडो स्पर्म, इम्ब्रियो, नहीं इम्ब्रियो तो 2n होता है। ऑप्शन 2 मेगा स्पोर्ट, पॉलन ग्रेन एंड इंडो स्पर्म, हाँ ये सब तीनों ही हैप्लॉयड हैं। मेगा स्पोर इंट्यूगमेंट लेयर और रूट रूट, नहीं इंट्यूगमेंट तो 2n होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि पॉलन ग्रेन लीफ एंड रूट, नहीं लीफ ही तो स्पोरोफिल है, तो यानी 132 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चा? इसका ऑप्शन टिक करो आप, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 132 का ऑप्शन नंबर 2, मेगा स्पोर, पॉलिन ग्रेन और इंडोस्पर्म, तीनों क्या होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं, हैप्लॉयड। मैं बार बार कहती हूँ आप हैप्लॉयड डिप्लॉयड मन से पढ़िए, हैप्लॉयड डिप्लॉयड आना चाहिए आपको। नेक्स्ट 133, क्वेश्चन नंबर 133, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एसोसिएटेड विद वन क्लास ऑफ एल्गी, आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ एल्गी। आपको पता है तीन ही क्लास है एल्गी की, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी। अब कह रहा है कि उन तीनों क्लास के बारे में से किसी एक क्लास के बारे में ये लाइन लिखी, आप देखिए। कह रहा है वन और मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पाइरिनोइड लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट, बात ही खत्म हो गई यहाँ पे। कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होगा? पाइरिनोइड। और बच्चा अगर क्लोरोप्लास्ट है तो कलर कौन सा हो जाएगा? ग्रीन। और कौन सी एल्गी हो जाएगी? ग्रीन एल्गी। और ग्रीन एल्गी हो जाएगी तो क्लास कौन सा हो जाएगा? हाँ क्लास हो जाएगा क्लोरोफाइसी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन देखिए कौन से में है क्लोरोफाइसी, ऑप्शन नंबर 1। मैं आपको इजी फिनोमेना बता रही हूँ क्वेश्चन क्लियर करने का, आप चाहे तो पूरा पढ़ लीजिए, मैं ही पढ़ देती हूँ। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि सेलुलोज और पेक्टोज की सेल वॉल होती है, एकदम सही है, क्लोरोफाइसी में ही सेलुलोज और पेक्टोज की क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बच्चा कह रहा है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पोरेंजिया होता है, और एग्जाम्पल देख लो ना, क्लेमाइडोमोनास, वॉल वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, क्लोरोफाइसिया,
बस ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा, क्वेश्चन 1 3 4 1 3 4 क्या पूछा क्या? एल्गी आर आल्सो एसोसिएटेड, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप पूछ रहा है आपसे। कह रहा है एल्गी बताओ किससे रिलेशनशिप में है, एसोसिएशन। इजी सा है एकदम, या तो ये फंजाई से रिलेशन रखेगी क्या बनाने के लिए, लाइकेन, और या तो स्लॉथ बियर के बॉडी पे चली जाएगी उसको क्या करने के लिए, छिपाने के लिए, प्रेडेटर से बचाने के लिए। तो ग्रीन कलर का आपको दिखने लगेगा स्लॉथ बियर, ग्रीन स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर जानते हैं ना, एकदम आपसे मिलता जुलता, आपके जैसा आलसी, कम पढ़ने वाला है ना, वही होता है स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर से बच्चा एसोसिएशन होगा। ऑप्शन देखती हूँ मैं, अब ऑप्शन कहाँ गया इसका, इधर रहा। फंजाई, स्लॉथ बियर, लाइकेन, ए एन सी, एकदम सही है ए एन सी। क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। गलती से तुम लोग 2 टिक मत कर देना। लाइकेन, लाइकेन बनाता है रिलेशनशिप में जाने के बाद से, लाइकेन फॉर्म करता है, लाइकेन से रिलेशनशिप नहीं बनाता, रिलेशनशिप फंजाई से बनाता है। तो क्या बनता है, बन जाता है लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 क्वेश्चन नंबर। कंसीडर द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट। मुझे तो 5 स्टेटमेंट ये पढ़ के लग रहा है कि आर्यच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया है, किस बेस पे बनाया है, वही पूछ, वही दे रखा है। सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। एकदम सही है, कह रहा है कौन सा मेन क्राइटेरिया विटेकर ने चूज किया था, पांचों क्राइटेरिया चूज किया था। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 5 आंसर होगा, 5 क्राइटेरिया लिया था। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बेटा, 4 ऑप्शन सही है इसका। अरे क्वेश्चन नंबर 136 देखिए क्या पूछ रहा है। अरेंज द फॉलोइंग टेक्साइन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर करके दिखाया था प्रीवियस किसी क्वेश्चन में आया था, तो इसमें कह रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर, लेकिन इसमें स्पीसीज जीनस के नाम पे क्या दे दिया है, किसी मैंजीफेरा का पूरा पूरा आपको दे दिया है। मैंजीफेरा मैंगो को बोलते हैं, आपको पता है मैंजीफेरा क्या है, जीनस है, यानी ये को किनारे को, ये तो जीनस हो गया मैंजीफेरा, ये क्या हो गया, जीनस हो गया, है ना। ठीक है, ये हो गया जीनस। नेक्स्ट तेरा डाइकोटिलेडॉन, ये तो क्लास हो गई डाइकोटिलेडॉन, बी क्या हो गई, क्लास। सी नंबर पे दे रखा है सैपिंडेली, सैपिंडेली सॉर्डर हो गया बच्चा, सैपिंडेली। अच्छा मुझे ये नहीं लिखना है, ये आप क्वेश्चन में देखो, मैं सिर्फ लिख रही हूँ टेक्सा, किस टेक्सा पे होगा ये, ये होगा ऑर्डर, सैपिंडेलिस होगा ऑर्डर। एना कार्डी एसी, एसी लास्ट में आया एसी, तो एसी डी नंबर क्या हो जाएगा, फैमिली, डी हो जाएगा फैमिली। एंजियोस्पर्म ई, ये तो है बच्चा क्या, डिवीजन। अब बस अब तुम देख लो पहले क्या आता है, पहले आता है जीनस, फिर आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर आता है फैमिली, फिर आता है डिवीजन, है ना। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है, पूछा है डिसेंडिंग ऑर्डर, उल्टा कर दो तो उल्टा कैसे करोगे, डिवीजन, डिवीजन में क्या आ जाएगा, क्लास। क्लास किससे मिलके बना है, ऑर्डर से, है ना। फिर आ जाएगा फैमिली, और फिर आ जाएगा ए, मतलब कि जीनस, ई बी सी डी ए, ई बी सी डी ए। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 मुझे समझ में आता है कि आपको मिस्टेक होती है टेक्सा याद करने में, उसको स्ट्रॉन्ग याद कर लो। जैसे एसी, एसी लास्ट में आएगा तो फैमिली होगी एसी, प्लांट की फैमिली एसी,
अगर मेरे एनिमल की फैमिली तो डी डी ए ई आएगा लास्ट में, डी ए ई। बस नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर, द टैक्सोनॉमी यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इक्विवेलेंट टू विच हायरार्कियल लेवल इन द एक्सेट्रा। फाइलम पूछा बेटा कि फाइलम किसके इक्वल होता है, ये ही तो है, डिवीजन के इक्वल होता है। डिवीजन प्लांट्स के लिए है, फाइलम एनिमल के लिए। डिवीजन देखिए कौन से ऑप्शन में है, तुरंत टिक कर दीजिए। ये नहीं खुलेंगे आज लग रहा है। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है बच्चा, थर्ड ऑप्शन है डिवीजन। तो क्वेश्चन नंबर 137 का कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 138 क्या पूछ रखा है, ईजी सा है, साइंटिफिक नेम दे रखा है मैंगो का और कह रहा है कैरोलस लीनियस ने इसको बताया था, साइंटिफिक नेम। मैंगो का साइंटिफिक नेम सभी बच्चे जानते हैं, मैंजी फेरा इंडिका। और अगर कैरोलस लीनियस ने दिया तो लीन लीन वर्ड आना चाहिए, है ना, आ गया है लीन। ऑप्शन नंबर टू में ये एल कैपिटल बनाना, आप ध्यान दीजिए इस पे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बहुत इजी सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट देखेंगे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 139 टेरिडोफाइट में मियोसिस पूछ रहा है, कह रहा है टेरिडोफाइटा में मियोसिस कहाँ होती है, टेरिडोफाइटा में मियोसिस कहाँ होती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दे रहा है गैमेट में, मतलब जब गैमेट बनता है, प्रोथैलस में, नहीं बाबा स्पोर में। हाँ स्पोरिक मियोसिस होता है इनमें, कौन सा मियोसिस, स्पोरिक। और ऐसा मियोसिस जो स्पोर में हो उसको बोलेंगे स्पोरिक मियोसिस, तो स्पोर में होता है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन सही हो जाएगा आपका टू, ऑप्शन टू सही है 139। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 140 हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइटा को बताइए, हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइटा। ऑप्शन नंबर टू सेल्विनिया, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू सेल्विनिया। एंड एंड सिलाजिनेला, सिलाजिनेला है ना, ये हो जाएगा आंसर 140 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 141। गिवन बिलो आर सम जीनस ऑफ एल्गी, एल्गी कुछ जीनस दे रखे हैं और पूछ रखा है कि उनकी क्लास बताइए। कारा फ्यूकस पॉलिसिफोनिया, पोरफायरा इक्टोकार्पस यूरोथ्रिक्स, वॉल बॉक्स स्पायरोगायरा क्लेमाइडोमोनास, है ना, ये कहीं दे रखा है वॉल बॉक्स क्लेमाइडोमोनास वाला जो क्या है, क्लोरोफाइसी है। दूसरा सेम क्लास के हैं सारे क्लोरोफाइसी के, तीनों किसमें आते हैं बेटा, क्लोरोफाइसी में आते हैं सारा, तो ध्यान नहीं है। क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा ये सब एक ही क्लास में आते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन टू 141 का ऑप्शन टू सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 142, अच्छा सॉरी 141 का ऑप्शन नंबर टू होगा। 142 ब्रायोफाइटा में के लिए इनकरेक्ट सेंटेंस बताइए। पहला सेंटेंस दे रखा है कि प्लांट बॉडी
लीवर वर्ड की थैलाइड होती है और आइसो बाइलेटर होती है, यही गलत है, यही गलत है बच्चा। लीवर वर्ड थैलाइड नहीं होता, लीवर वर्ड थैलाइड कहाँ होता है? लीवर वर्ड में तो होता है राइजोम, रूट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, सेम लाइक स्ट्रक्चर, तो ये थैलाइड हुआ ही नहीं। तो यानी पहला ही ऑप्शन तुरंत टिक कर दीजिए। 142 का ऑप्शन वन एकदम करेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट 143, बेटा 143 पूछा है कि एड्स किससे होता है मनुष्य को? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से, एचआईवी वायरस से होता है। एड्स किससे होता है बेटा? एड्स ये तो सबको पता होगा, एचआईवी से होता है, और एचआईवी वी फॉर वायरस, यानी वायरस से होता है। तो ऑप्शन टिक कर दीजिए। ऑप्शन ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है वन, बस। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 144 क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट और एनिमल दोनों जैसा कैरेक्टर रखता है? ऑप्शन है युगलीना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। बेटा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा युगलीना, यानी ऑप्शन वन। क्यों? क्योंकि युगलीना के पास फ्लेजिला है, फ्लेजिला तो मूव करती है एनिमल जैसा, और बेटा युगलीना के पास क्या है? क्लोरोफिल है, तो फोटोसिंथेसिस करती है प्लांट जैसा, इस वजह से क्या है युगलीना एनिमल और प्लांट दोनों जैसा ही आपको कैरेक्टर शो करेगी। प्लांट के जैसा फोटोसिंथेसिस करेगी और एनिमल के जैसा फ्लेजिला से क्या करेगी? फ्लेजिला से मूव करेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा 145 क्या कह रहा है? एसर्शन दे रखा है कि ब्रायोफाइटा का जो गैमेटोफाइटिक प्लांट होता है वो डोमिनेंट होता है स्पोरोफाइटिक कंडीशन पे प्लांट के, और रीजन दे रखा है कि वे गैमेटोफाइट गैमेट बनाता है और स्पोरोफाइट स्पोर बनाता है। एसर्शन तो मुझे सही लग रहा है और रीजन भी ट्रू है, गैमेटोफाइट गैमेट बनाता है, स्पोरोफाइट स्पोर बनाता है, लेकिन ये रीजन सही नहीं दे रहा है। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड इसलिए नहीं रहता कि वो गैमेट बनाता है, बल्कि गैमेटोफाइटिक स्टेज जिस प्लांट में ज्यादा स्टेज शो करता है, यानी ज्यादा स्टेज प्लांट के अगर हैप्लॉयड होते हैं तो वो गैमेटोफाइटिक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले हो जाते हैं, तो उसमें गैमेटोफाइट डिपेंडेंट हो जाता है, मतलब डोमिनेंट कंडीशन शो करता है। रीजन ये है, ये रीजन नहीं है कि गैमेटोफाइट गैमेट शो करता है। तो 145 का बेटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन टू सही होगा कि रीजन भी सही है, एसर्शन भी सही है, बट रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 146 थोड़ा टिपिकल लगेगा आपको ये क्वेश्चन नंबर 146 में पूछा है कि अगर फर्न का इम्ब्रियो सेल 6 है, इम्ब्रियो सेल 6 है, तो लीफ का क्रोमोसोम नंबर बताइए। बेटा लीफ का क्रोमोसोम नंबर 6 होगा, ये इम्ब्रियो है तो 6 है, जरूरी इम्ब्रियो 6 है, यानी जो गैमेटोफाइट होंगे वो तीन तीन वाले होंगे, तीन तीन क्रोमोसोम वाले गैमेटोफाइट होंगे, हैप्लॉयड कंडीशन, तो डिप्लॉयड बन के आ गए 6। अब लीफ भी तो डिप्लॉयड है, हो गया 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 6, यानी 146 का ऑप्शन, 16 का ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट
147 क्वेश्चन नंबर 147 प्रोटोनेमा, प्रोटोनेमा प्रोटोनेमा अभी जस्ट इसके पहले में आया था। प्रोटोनेमा किसमें देखने को मिलेगा? फ्यूनेरिया में, फ्यूनेरिया में देखने को मिलेगा। ऑप्शन 147 का कौन सा ऑप्शन में है फ्यूनेरिया? देखिए थर्ड ऑप्शन में, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 148, 148, 148 है। पीट मॉस इज यूज्ड एज पैकिंग। पीट मॉस जो होता है वो स्पाइरोगाइरा को कहते हैं। पीट मॉस, मॉसेस वाला पीट मॉस, स्पाइरोगाइरा को कहते हैं। और बच्चा इसकी ये कंडीशन होती है, ये स्पेशल कैरेक्टर होता है कि हाइग्रोस्कोपिक होता है। कैसा होता है? हाइग्रोस्कोपिक मतलब वाटर रिटेन करके रखता है। क्या करता है? वाटर को रिटेन करके रखता है ये। इसी वजह से प्लांट्स वगैरह को क्या करके रखते हैं, इसमें पैक करके एक जगह दूसरे का भेजने में हेल्प होता है। मान लीजिए अब यूएसए से हम प्लांट मंगा रहे हैं, कोई एकदम स्पेशल प्लांट है यूएसए का, हमें चाहिए, हम मंगा रहे हैं, तो वहां से आने में तो सूख जाएगा ना, इसलिए अगर उसको हम स्पाइरोगाइरा में क्या कर दें, अगर स्पाइरोगाइरा में उसको पैक कर देंगे तो वो इजिली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि स्पाइरोगाइरा हाइग्रोस्कोपिक है, वाटर रिटेन करके रखता है। अब इसमें किसी दूसरे प्लांट को पैक करके हम ला सकते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा हाइग्रोस्कोपिक। देखिए कौन सा ऑप्शन है 148 का। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन 149, 149 जो है टेरिडोफाइटा मोस्टली अकरिंग। टेरिडोफाइटा कूल डैम्प सैडी एरिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 में ही लिखा है ये, कूल डैम्प सैडी एरिया में पाया जाएगा। ऑप्शन 1 सही है इसका, ऑप्शन 1, 149 का कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन 1। नेक्स्ट आता है 150, क्वेश्चन नंबर 150, 150 में देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई ऑफ पैरासिटिक फंजाई है मस्टर्ड का, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, जान लीजिए मस्टर्ड का ऑब्लिगेट पैरासाइट, एकदम जिद्दी मस्टर्ड किस पास ही रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। एलब्यूगो है, एलब्यूगो, एलब्यूगो मस्टर्ड का, ये है एलब्यूगो, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 151, अच्छा 151 से तो क्या है, जूलॉजी है। 150 पूरा पूरा बॉटनी आपने कर लिया, बॉटनी के 50 क्वेश्चन आपने कर लिए है ना, अब आपको करना है जूलॉजी। अब करना है आपको जूलॉजी है ना। जूलॉजी में देखिए बच्चा आते हैं 151, क्वेश्चन नंबर 151 में दे रहा है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन सा है। तीन ही तो एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी ने, पूरी फेरा का तीन ही एग्जांपल दे रखा है, बॉथ स्पॉन्ज का, स्काइफा का और फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1, 2 नहीं नहीं क्वेश्चन नंबर 151 तीसरा ऑप्शन स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?
ऑप्शन थ्री सही है बेटा इसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 152 देखिए, क्वेश्चन नंबर 152, मैच द फॉलोइंग है, क्वेनोसाइट नीडोब्लास्ट। अच्छा एक साइड सेल देखा है, एक साइड ऑर्गेनिज्म। क्वेनोसाइट को आप पहले लगा लीजिए, क्वेनोसाइट पोरीफेरा में होता है, यानी ए का हो जाएगा चौथा। देखो आइसोलेट कर पा रहे हो क्या, ऑप्शन ए का चौथा कितने लोगों में है। अच्छा तीन लोगों में ए का चौथा है। दूसरा देखो नीडोब्लास्ट नीडेरिया में होगा, नीडेरिया बोलते हैं सिलेंट्रेटा को यानी एडेम्सिया। बी का दूसरा नीडोब्लास्ट होगा एडेम्सिया में। बी का देखिए दूसरा कितने लोगों में है, तीन लोगों में। ए का चौथा, बी का दूसरा, बस पहले में और तीसरे में है। चलो और देखते हैं, फ्लेम सेल। फ्लेम सेल पाया जाता है प्लेटी हेलमिंथीज में एक्सक्रीशन के लिए, है ना, हिंदी में बोलते हैं ज्वाला कोशिकाएं। तो फ्लेम सेल प्लेटी हेलमिंथीज में, प्लेटी हेलमिंथीज का एक ही एग्जाम्पल है सिस्टोसोमा, जो ब्लड फ्लूक होता है। सिस्टोसोमा को बोलते हैं ब्लड फ्लूक, यानी सी का हो जाएगा पांचवा, सी का हो जाएगा पांचवा। और जैसा मैं देख रही हूँ सी का पांचवा ऑप्शन नंबर थ्री में है, यानी डी का पहला, ऑप्शन नंबर थ्री। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थ्री, है ना, ऑप्शन नंबर थ्री सही है इसका। नेक्स्ट देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 153 क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल पूछ रहा है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें देखने को मिलता है। कॉर्डेटा में होता ही होता है, मोलस्का में होता ही होता है, यानी मिलीडा में होता है। इसके हेलमिंथीज के पास से जितने फाइलम आएंगे उन सब में क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, है ना, ऑर्गन सिस्टम लेवल यानी ऑल ऑफ दीज। 153 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 154, 154 का क्या होगा बेटा, 154 पूछ क्या रहा है, फाइंड ऑड वन, ऑड वन पूछ रहा है। सी लिली, सी कुकुम्बर, सी अर्चिन, सी फैन, कॉमन सी बात है सी फैन, गॉर्गोनिया को कहते हैं सी फैन। सी फैन किसको बोलते हैं, गॉर्गोनिया को। और बताना गॉर्गोनिया किसमें आता है, गॉर्गोनिया आता है सीलेंट्रेटा में, वही ऑड है सीलेंट्रेटा में। बाकी तीनों किसमें आते हैं, इकाइनोडर्मेटा में, कुकुमेरिया, है ना, कुकुमेरिया, इकाइनस, एंटीडोन, ये तीनों क्या है, इकाइनोडर्मेटा के। तो ये तीनों एक ही फाइलम के हैं। ऑड कौन हुआ, सीलेंट्रेटा वालों में, सी फैन। ऑप्शन देख लो कौन सा है सी फैन का, ऑप्शन है टू का, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 155 कह रहा है कौन से फिश की जो ग्रुप होती है उसकी बॉडी में प्लेकॉइड स्केल होता है। पहले तो प्लेकॉइड स्केल पीसीएस की किस क्लास में होती है, प्लेकॉइड स्केल पीसीएस की किस क्लास में होती है, कॉन्ड्रिक थीज में होती है, कॉन्ड्रिक थीज जिसमें सार्क वगैरह आते हैं उसमें होती है, तभी तो ये प्लेकॉइड स्केल बैकवर्डली टीथ बनाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग शिकार करते हैं इससे, प्लेकॉइड स्केल से बेटा। तो आप देख लो किसमें किसमें दिया हुआ है, वन ऑप्शन नंबर फोर, 155 का ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा आंसर आपका, ऑप्शन फोर, है ना, स्कॉलिडन, कैरकेरोडन, सॉफिस, इलेक्ट्रिक रे, ये सब आ जाएंगे कॉन्ड्रिक थीज में, रिक्वायर्ड स्केल वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 156, बॉडी हैविंग मिसवर्क सेल, यानी सेल का एक नोट पाया जाए, मतलब नेट लाइक स्ट्रक्चर सेल का, पूरी सेल ही हो बॉडी, और फूड फिल्टरिंग फैसिलिटी, एक ही है ये, जब भी आए फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड है, तो समझ जाना क्वेनोसाइट की बात कर रहे हैं, क्वेनोसाइट की बात हो रही है बेटा। और क्वेनोसाइट किसमें होता है, पोरीफेरा में। ऑप्शन देखो तो कौन सा है,
फोरिफेरा। कमेंट में लिखते जाइए ऑप्शन, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का ऑप्शन समझ में आ रहा है, आपको आंसर पता है, आप कमेंट में आंसर लिखिए। और जो भी एक्सप्लेनेशन में आपको लग रहा है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता था, उसके लिए थैंक यू भी कह दीजिए, है ना। जो पता था उसमें लिखिए कि हाँ मैम हमें समझ में आ रहा था, हमने क्वेश्चन को ऐसे ही रीड किया, ऐसे ही समझा है। कभी भी क्वेश्चन को ऑप्शन से आइसोलेट करने की कोशिश करिए, है ना। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 156 का हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 157 पूछ रहा है कि किसी भी प्लेन से काटें, अगर ये बॉडी है ना, ये बॉडी है, इसको इस प्लेन से भी काट दें, 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 लेकिन एक्सिस से होके जाना चाहिए, कि कौन सी सिमेट्री होती है। अब मुझे तो लगता है ये तो सबको पता होगा, रेडियल सिमेट्री होती है, इक्वल हाफ मिल जाएगा कैसे भी। देखो कौन सा ऑप्शन है रेडियल सिमेट्री का, 157 का ऑप्शन 1 में ही दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, 158, एक आपको स्ट्रक्चर दे रखा है और उसको पहचानना है। मैंने अभी जस्ट जैसे आपको सिमेट्री का लाइन बताया वैसे ही लाइन दे रखा है ना, वैसे लाइन दे रखा है, और सारे लाइन का जो सिमेट्री बता रखा है वो सारे सिमेट्री को एक्सप्लेन किया है कि ये सिमेट्री किसको बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री किसको बोलेंगे। पहले तो पहचानो कौन सी सिमेट्री है, आपको पता चल गया कि ये कौन सी सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है। कैसे सिमेट्री है, रेडियल। अब रेडियल दो ही ऑप्शन में है, दूसरा और चौथा, तो रेडियल का क्या करिए आप, रेडियल का एक्सप्लेनेशन देखिए। बेटा रेडियल के एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि लेफ्ट एंड राइट हाफ में डिवाइड हो जाएगा, नहीं, अगर रेडियल से देखेंगे तो रेडियल में किसी भी प्लेन से कट कर दीजिए आप, है ना, किसी भी प्लेन से कट करिए, बस वो एक्सिस से होके जाना चाहिए, इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और ऑप्शन है इसका क्या, फोर्थ। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा बच्चा, 158 का आंसर नंबर फोर्थ है ना, रेडियल सिमेट्री, किसी भी एक्सिस से काटेंगे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 159 क्या पूछ रहा है, पढ़ते रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल मेंटेन हाई एंड कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कॉमन सी बात है, एक आप है, एक सांप गुजर है और एक बर्ड्स है ना। बर्ड्स क्या करते हैं, अपना टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, यानी अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो भी वो सेम टेम्परेचर में ही रहते हैं, अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो भी वो सेम टेम्परेचर में रहते हैं। जैसे आपका होता है 37 डिग्री सेल्सियस, अगर आपके ठंडी में भी 37 डिग्री सेल्सियस रहते हैं और गर्मी में भी 37 डिग्री सेल्सियस रहते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो भी कम हो जाए तो भी, इसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस यानी टेम्परेचर मेंटेनेंस। ऑप्शन देखिए कौन सा सही है ना, बर्ड्स किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 में है बर्ड्स, यानी बर्ड्स आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन 160 पूछ रहा है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है जो स्कॉलिडन, प्रिस्टन और ड्रैगन के बारे में बताए। स्कॉलिडन, ड्रैगन और प्रिस्टन, पहले देखिए किसमें आते हैं, क्या है ये, स्कॉलिडन, प्रिस्टिस और ड्रैगन, ये तीनों कौन है, ये बच्चा फिशेज हैं। फिशेज, और फिशेज की किस क्लास से आती है, कॉन्ड्रिक कीज क्लास से आती है, और कॉन्ड्रिक कीज में आपने स्पेशल क्वालिटी लिखी होगी कि नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ टाइम तक चेंज ही नहीं होता है ना, लाइफ टाइम तक बना रहता है। ऑस्टिक कीज में जो सॉरी नोटोकॉर्ड है वो चेंज हो जाता है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में, बट कॉन्ड्रिक कीज में नोटोकॉर्ड नहीं बदलता। ऑप्शन देखिए किसमें नोटोकॉर्ड के बारे में कह रहा है, ऑप्शन नंबर 2 है ना, ऑप्शन नंबर 2 यही कह रहा है,
ऑप्शन नंबर टू कहता है कि स्कॉलिडन प्रिस्टिस में नोटोकॉर्ड बने रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। बस ऑप्शन नंबर टू सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 161 देखिए, पूछ रहा है कि कौन से एनिमल साइक्लोस्टोमेटा, जो पिग की माउथ होती है ना, सुअर जैसा मुंह होता है इनका एकदम, साइक्लोस्टोमेटा सर्कुलर माउथ, साइक्लोस्टोमेटा है ना बेटा, साइक्लो मतलब सर्किल, स्टोमेटा मतलब माउथ, सर्किल स्टोमेटा है ना, सर्किल स्टोमेटा सर्कुलर मुंह एकदम किसका होता है, पेट्रामाइजोन को एक ही ऑप्शन है एनसीईआरटी में, टेट्रामाइजोन आंसर, इसका आंसर लिख लो, इसका आंसर लिख लो बेटा, ऑप्शन नंबर टेट्रामाइजोन देखिए किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर 161 साइक्लोस्टोमेटा का एग्जांपल पेट्रामाइजोन, ऑप्शन फोर आई थिंक ऑप्शन फोर ही है, क्वेश्चन नंबर 161 का है ना पेट्रामाइजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 162 कह रहा है कि वाटर वास्कुलर सिस्टम, वाटर वास्कुलर, कभी भी इन सब चीजों में जब भी आप देखिए कि एक जैसा नाम हो तो आप कंफ्यूज मत होइए, वाटर केनाल सिस्टम, वाटर केनाल सिस्टम ये होता है पूरी फेरा में बेटा, पूरी फेरा में होता है ये, और वाटर वास्कुलर सिस्टम, वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है बच्चा इकाइनोडर्मेटा में, ये दो ही तो हैं वाटर वाले, डर्मेटा आपको एकदम ध्यान देना है। तो कह रहा है वाटर वास्कुलर सिस्टम किसमें पाया जाता है, सी एनिमोन में, सी पेन में, सी हॉर्स में, सी कुकुम्बर में, कुकुमेरिया, कुकुमेरिया किसमें आता है, इकाइनोडर्मेटा, सी कुकुम्बर में, कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा इसका, सी कुकुम्बर, ऑप्शन नंबर थ्री सी कुकुम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 163 देखो बच्चा, 163 तो देखा था ना, सॉरी ये 163 है, 164 164 में फॉलोइंग स्टेटमेंट को पढ़ने हैं और पता लगाना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है ना। तो स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट देखना है, कह रहा है कि जो जितने भी हायर फाइलम हैं उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऐसा होता है क्या आपके में, सेल है बस नहीं ना, ना तो गलत है ये, कह रहा है प्लेटी हेलमिंथीज में सेलुलर, क्या बात करें, प्लेटी हेलमिंथीज में तो ऑर्गन लेवल है, तीसरा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सीन व्हेन सेल आर नॉट अरेंज, नॉट अरेंज एज अ लूज एग्रीगेट, नहीं अरेंज नॉट नहीं होना चाहिए, ये भी गलत, और मोलस्का टिश्यू लेवल नहीं, मोलस्का भी ऑर्गन सिस्टम लेवल, यानी चारों ही स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, यानी 162 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टू सही हो जाएगा बच्चा 164 का। नेक्स्ट आता है बच्चा 165 में क्या होगा, क्या पूछ रखा है, पूछ रहा है व्हाट इज ट्रू अबाउट मोलस्का, आपको पता होना चाहिए मोलस्का में क्या पाया जाता है, मेंटल, पाइला को देखिए, पाइला को है ना, स्नेल देखिए, घोंघा, और घोंघा के बाहर की जो स्केल होती है उसको देखिए, मेंटल, और इस ऑप्शन में मैंने पढ़ा क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर टू में लिखा है कि प्रेजेंस ऑफ मेंटल, मेंटल कैविटी एंड सिलोम, आंख बंद करके टिक करने लायक ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर टू एकदम आइसोलेट फॉर्म में दिख रहा है कि भाई मेंटल की बात तो बस मोलस्का में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 166 है ना, क्वेश्चन नंबर 166, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ स्पॉन्ज, स्पॉन्ज के बारे में पूछा है बच्चा, स्पॉन्ज के पास तो स्पेशल कैरेक्टर कोएनोसाइट है,
है ना, क्वेनोसाइट जो उनका सब काम करा रहे हैं पूरा। तो बेटा क्वेनोसाइट की बात, दे आर ए सेलुलर ठीक है, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ये तो कई लोग भी करते हैं, मेराइन तो सीलेंट रेट वाले भी हैं। डिस्टिंक्ट फीचर क्या है, तो उनके पास एक स्पेशल सेल होता है जिसको क्वेनोसाइट कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा 166 का 2। 166 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट ब्रेक। नेक्स्ट होगा बच्चा क्वेश्चन नंबर 167। 167 में कह रहा है कि डायग्राम दे रखा है, ये तो बताने वाली ही बात नहीं है, डायग्राम एनसीईआरटी से एकदम दे रखा है। पहला एडेम्सिया दिख रहा है, बी बैलेनोग्लोसस हेमिकॉर्डेटा का, सी बताइए फैसियोला हिपैटिका प्लेटीहेलमिंथीज का, और डी प्लूरोब्रैंकिया सीलेंट्रेटा का। तो यानी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 3, 167 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 168। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन द करेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ सेक्स एनिमल अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। अच्छा, अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। बेटा मैंने ये बता रखा है आपको कि अमीनोटेलिक जो अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे, यूरिकोटेलिक जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगे, और यूरियोटेलिक जो यूरिया एक्सक्रीट करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि अमोनिया, अमोनिया क्या है, ज़्यादा डेंजरस है, मतलब कि ज़्यादा पॉइजनस नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो इनको एक्वाटिक लोगों के पास भेज दीजिए। यूरिया थोड़ा इससे कम है, इनको टेरेस्ट्रियल लोगों के पास भेज दीजिए। और यूरिक उन लोगों के पास भेजिए जिनकी संख्या ज़्यादा है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा निकाल पाएंगे, जैसे कि इंसेक्ट लोगों को भेज दीजिए, बर्ड्स को दे दीजिए। अब इसके अकॉर्डिंग आप टिक कर लीजिए भैया, देखिए कौन कौन सा ऑप्शन दे रखा है। कितना इजी आंसर है बच्चा, अगर आपको ये पता चल जाए कि अमीनो, यूरियो और यूरिको का कैसे अलग अलग बांटों भागों में इनको बांट दिया गया है। एक्वाटिक एम्फीबिया क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3, अमीनोटेलिक एक्वाटिक एम्फीबिया को दे रखा है, मतलब कि फ्रॉग वगैरह को। यूरियोटेलिक में फ्रॉग और ह्यूमन दे रखा। अच्छा, अमोनियो में फ्रॉग का टैडपोल अमोनिया निकालता है, यूरियोटेलिक फ्रॉग और ह्यूमन हम लोग हैं, यूरिको पिजन लीजर्ड कॉकरोच मतलब कि इंसेक्ट, और पिजन मतलब कबूतर, बर्ड्स हो गया, कॉकरोच इंसेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा 169, क्वेश्चन नंबर 169 क्या पूछा है, पूछ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकाइनोडर्म्स, तो ऑर्गेनाइजेशन बताइए। आप खुद देख लीजिए उनके पास स्पाइन कांटे होते हैं। स्टारफिश को देखा करिए ध्यान में, स्टारफिश को देखिए इकाइनोडर्मेट में। वाटर वास्कुलर सिस्टम होना चाहिए, और हार्ट नहीं होता इनके पास, है ना, हार्ट नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 169 का ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 170। बॉडी कैविटी इज द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल। अच्छा, जो सिलोम है, कह रहा है कि ऐसा सिलोम हो जो मीजोडर्म से घिरा हुआ ना हो, और सिलोम का डिफिनेशन ही होता है कि सिलोम इज अ बॉडी कैविटी सराउंडेड बाई मीजोडर्म। तो कह रहा है मीजोडर्म से घिरा नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, कॉमन सी बात है, क्या बोल देंगे बेटा, स्यूडोसिलोम बोल देंगे। ऑप्शन क्या, 2, स्यूडोसिलोम। क्वेश्चन नंबर 171, वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट के पास क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, नर्व कॉर्ड होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, वेंट्रल आगे की साइड हार्ट होता है,
यानी 171 का ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर फोर। जितना ऑप्शन में दिया है सभी होते हैं, ऑल ऑफ द एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 172। 172 में ऑप्शन दे रखा है बच्चा और कह रहा है कौन सा करेक्टली मैच है, यानी चारों में से कोई तीन गलत है, नहीं तीन दिया है ना, तीन में से कोई दो गलत है एक ही सही है, कौन सा सही है ये देखिए। पहला कह रहा है स्पॉन्ज ए सिमेट्रिकल होते हैं, हाँ ए सिमेट्रिकल होते हैं और पोरी फोरा यही सही है, तो दूसरा देखना ही नहीं है। 172 का कौन सा ऑप्शन बेटा? ऑप्शन वन, वन सही है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन 173। 173 में पूछ रहा है कि सीलिएंट रेटा की बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं? सीलिएंट रेटा की बॉडी कैविटी क्या कहलाती है? गैस्ट्रो वस्कुलर कहलाती है भैया, गैस्ट्रो वस्कुलर कैविटी कहलाती है, यानी ऑप्शन 173 का ऑप्शन वन। 173 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 174। 174 में क्या दे रखा है? मार्क व्हाट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बारे में कौन सी बात गलत कह दी गई है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, हाँ ठीक है होता है, बाईलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, हाँ डिप्लो नहीं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तीनों जर्म लेयर पाया जाता है इनके पास, तो 174 का एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन तो एक ही सही होगा ना, ऑप्शन नंबर थ्री बेटा, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, लेकिन आपके में कह रहा है कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो ये हो गया गलत है ना, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 175। 175 में कह रहा है कि ऐसा फीचर, ऐसे कैरेक्टर्स जो एम्फीबिया और रेप्टाइल क्लास में प्रेजेंट हो, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स दोनों के पास कान की जगह टिम्पैनम होता है, दोनों ऑप्शन नंबर टू सही है इसका, दोनों लोग पोइकिलो थर्मल होते हैं, अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते बॉडी का, और दोनों लोग के पास थ्री चैम्बर्ड हर्ट होता है ना, थ्री चैम्बर्ड हर्ट होता है। पहला ऑप्शन में देखिए स्केल दे रखा है, मेंढक के पास स्केल ही नहीं है, तीसरे में क्लोएका दे रखा है, ये भी मेंढक के पास होता है, सांप के पास नहीं है, स्किन मॉइस्ट नहीं स्केल ही होती है, तो यानी दूसरा ऑप्शन सही है कि टिम्पैनम प्रेजेंट होगा, कोई किलो थर्मल होंगे और टी चैम्बर्ड हर्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 176। 176 में कह रहा है स्टारफिश का साइंटिफिक नेम, कितना इजी है, एस्टेरियस, साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा एस्टेरियस, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है फोर, फोर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 177 में कह रहा है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है एम्फीबिया के लिए, एम्फीबिया की बॉडी हेड और ट्रंक में होती है, हाँ मेंढक को देख लीजिए, टेल और रीक क्या होता है एब्सेंट होता है, रेस्पिरेशन गिल्स से करते हैं, नहीं रेस्पिरेशन तो क्यूटेनियस पल्मोनरी बक्कल दोनों सब करते हैं, हार्ट टू चैम्बर नहीं हार्ट थ्री चैम्बर होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल नहीं एक्सटर्नल होता है, यानी बस एक ही सही है बेटा 177 का ऑप्शन वन, ऑप्शन वन ओनली वन सही है, पहला स्टेटमेंट बस सही है। अरे क्वेश्चन नंबर 178, एडेंसिया, एडेंसिया का स्टेज बताइए बेटा, सीलिएंट रेटा में होता है एडेंसिया, और सीलिएंट रेटा जो होते हैं वो दो बॉडी फॉर्म शो करते हैं, एक होता है पॉलीफॉर्म एक होता है मेड्यूसा फॉर्म, पॉलीफॉर्म जो सिसाइल होता है, मेड्यूसा फॉर्म जो फ्री स्विमिंग होता है, जिसमें से एडेमिक के एडेंसिया का भी डायग्राम देखा था ना,
एडेंशिया कैसा होता है? पॉलीफॉर्म का होता है। कैसा होता है? पॉलीफॉर्म का। यानी कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? ऑप्शन ऑप्शन सही है इसका वन। क्वेश्चन नंबर 178 का ऑप्शन सही है वन। देखिए क्वेश्चन नंबर 179 179 कह रहा है कि जॉलेस फिशेस कौन सी हैं? जॉलेस फिश एगनेथा, और एगनेथा में कौन सी क्लास है? साइक्लोस्टोमेटा। अभी मैंने बताया साइक्लोस्टोमेटा, सेम वही लैम्प्रे और हैग फिश। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? लैम्प्रे और हैग फिश। देखिए कहाँ है, ये सब कोई भी कॉन्सेप्ट वाले नहीं, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रहना चाहिए। ऑप्शन थ्री सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 180 180 दे रखा है कि किस फाइलम के मेंबर टिप्रोब्लास्टिक होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं और सिलोमेट होते हैं? सीलेंट्रेटा में तो नहीं, ये सब सिलोमेट वाले नहीं है, टीनोफोरा भी नहीं है। कॉर्डेटा में तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है, इकाइनोडर्मेटा। यानी ऑप्शन नंबर थ्री। इकाइनोडर्मेटा में जो इनका लार्वा होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री का होता है, लेकिन एडल्ट रेडियल सिमेट्री शो करता है। तो यानी बेटा ये इकाइनोडर्मेटा ऑप्शन नंबर थ्री सही है 180 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 181 देखिए, 188 में कह रहा है कि क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेज का होता है। ये सब एक ही है ना, बहुत मेहनत से अगर एक ही आप पढ़ लिए होते साइक्लोस्टोमेटा। ये लोग इतना डेवलप नहीं है बेटा, तो जो इनका क्रेनियल है ब्रेन बॉक्स और जो वर्टिब्रल कॉलम है वो कार्टिलेज का बना हुआ है, इसलिए कार्टिलेजिनस कह रहा है। ऑप्शन नंबर फोर सही हो जाएगा बच्चा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 182 कह रहा है कौन से ग्रुप के एनिमल ए सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब कोई सिमेट्री शो नहीं करते। सीलेंट्रेटा की रेडियल है, इकाइनोडर्मेटा की रेडियल बायलेटरल दोनों है, टीनोफोरा की भी रेडियल है, पूरी फेरा इजी है, पूरी फेरा ऑप्शन नंबर टू है ना। ऑप्शन नंबर टू बच्चा एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 183 183 क्वेश्चन नंबर है ना। लिसन, व्हाट इज आस्किंग? पर्ल्स आर प्रोड्यूस बाय द एनिमल ऑफ फाइलम। पर्ल्स मोती, पर्ल्स किससे बनते हैं? पर्ल्स याद करिए बच्चा, ओएस्टर है ना, ओएस्टर, पर्ल ओएस्टर किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? यानी सीलेंट्रेटा फाइलम से लिया गया है ये। सीलेंट्रेटा के फाइलम जो है बेटा वो हमें देते हैं पर्ल है ना। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सही है कौन सा क्वेश्चन था? पर्ल, अरे सॉरी मोलस्का है ना, पर्लोएस्टर बोल कह रही हूँ, लिख कह रही हूँ, पर्लोएस्टर सही है, मोलस्का। मोलस्का मेरे दिमाग में एंटीडोन चल रहा था, पिनाक टेढ़ा होगा ना, पिनाक टेढ़ा इसको बोलते हैं, पिनाक टेढ़ा साइंटिफिक नेम, और ऑप्शन हो जाएगा मोलस्का। मोलस्का फाइलम में देते हैं, यानी थर्ड ऑप्शन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर 183 का ऑप्शन नंबर थ्री सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 184 184 जो है बच्चा वो कह रहा है मार्क द ऑड वन आउट ऑफ आउट विद द रिस्पेक्ट ऑफ एग्जांपल ऑफ रेडियल सिमेट्री। क्यों रेडियल सिमेट्री का नहीं है? सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर फोर।
ऑप्शन नंबर 4 है, इसके हेलमिंथीज नहीं है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 185। इन फाइलम पोरीफेरा ओपनिंग सो विच वाटर लीव द स्पॉन्जोसील, जो डायग्राम है बेटा स्पॉन्जोसील वाला, इसमें से पानी कहाँ से बाहर जाता है? ऑस्कुलम से, ऑस्कुलम से बाहर जाता है, यही पूछ रखा है ना। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑस्कुलम किस ऑप्शन में है? 185 ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 186। 186 कह रहा है कि बर्ड्स का कैरेक्टर बताइए। बर्ड्स यूनिसेक्सुअल होते हैं और डायमॉर्फिज्म भी शो करते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि मेल अलग बॉडी में शो हो और फीमेल अलग बॉडी में शो हो और वो देखने से पता चले। जैसे ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में मेल कौन है और फीमेल कौन है आप देख के पता लगा सकते हैं। ऐसे स्पीसीज जिनकी में मेल और फीमेल मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट हो उनको बोलते हैं कि वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। और 186 का ऑप्शन हो जाएगा बच्चा ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा 3। ये यूनिसेक्सुअल भी होते हैं बर्ड्स और शो भी करते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 187। 187 में एग्जांपल सॉरी डायग्राम दे रखा है और पूछ रखा है कि किस एनिमल बॉडी कैल्केरियस शेल से ढकी होती है और अनसेगमेंटेड होती है, सेगमेंट नहीं पाया जाता, और हेड मस्कुलर फीट और विसरल हम्प होता है। आप विसरल हम्प से ही देख लिया करिए, ये मोलस्का की बात कर रहा है, मोलस्का की। और देखिए मोलस्का में कौन आता है? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस ऑक्टोपस किस क्लास में है? सिफेलोपोडा में। सिफेलोपोडा क्लास में आता है, सर पे पैर। सिफेलो मतलब सर, पोडा मतलब पैर। ऑक्टोपस ऑप्शन देखिए कौन सा है। ऑप्शन है 3, है ना। 187 का ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 188 में कह रहा है कि इक्थियोफिस किस इसमें आता है? एम्फीबिया में आता है बच्चा, लिम्बलेस है। एम्फीबिया में ये लिम्बलेस होता है ना इक्थियोफिस। एम्फीबिया यानी कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 189 क्या पूछ रहा है आपसे? डायग्राम दे रखा है और पूछ रहा है नाम बताइए। डायग्राम से एकदम पता चल रहा है ये क्या है, टेप वॉर्म है। टेप वॉर्म है ये, और टेप वॉर्म किस में आता है? प्लेटी हेलमिंथीज में, है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा 4। 4 आंसर सही है। प्लेटी हेलमिंथीज का डायग्राम दे रखा है टेप वॉर्म बना के, फीता कृमि बोलते हिंदी में। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा हैंग ऑन हो रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 190 डायग्राम दे रखा है बच्चा, सिलोम का डायग्राम है ये, और डिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक सिलोम दिया है ऐसा है, और पूछ रहा है कि किसमें किसमें होंगे। जाहिर सी बात है कि फाइलम सीलेंटेटा और टीनोफोरा को छोड़ के बाकी सब डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, तो सीलेंटेटा है ये डिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा और प्लेटी एलमिंथीज ट्रिप्लोब्लास्टिक जगह, यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 191, जल्दी खत्म होगा ना, परेशान होइए। स्पॉन्ज आर, स्पॉन्ज कैसे होते हैं? वाटर कैनाल सिस्टम भी होता है और गैमेट बना के वो रिप्रोडक्शन भी करते हैं, यानी ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 192,
192 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मैच द फॉलोइंग है, स्यूडो सिलोमेट किससे होगा? तो मैंने फिर वही कहा कि एक किसी को देख लीजिए, स्यूडो सिलोमेट, हाइड्रा, एडेमसिया, नहीं, एस्केरिस वुचेरेरिया, क्योंकि ये एस्के हेलमिंथीज हैं और स्यूडो सिलोमेट बस एस्के हेलमिंथीज में ही होता है। तो ए का तीसरा देखिए किसमें है, ए का तीसरा, दूसरा दिया है डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक यानी सीलेंट्रेटर टीनोफोरा, यानी बी का दूसरा, बी का पहला। ये एग्जाम्पल सीलेंट्रेटा के ही तो हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी पोरीफेरा यानी चौथा, बी का चौथा। रेडियल सिमेट्री यानी टीनोप्लाना ऑरेलिया है ना, डी का दूसरा, और ई, ई का पांचवा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर टू, 192 का ऑप्शन टू। क्वेश्चन नंबर 193, इन एम्फीबिया हार्ट इज थ्री चैम्बर, थ्री चैम्बर के होते हैं बच्चा, यानी ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है? टू। क्वेश्चन नंबर 194, क्वेश्चन नंबर 194 कह रहा है कि फूड खाने के लिए और एक्सक्रीट करने के लिए दोनों अलग अलग ओपनिंग है, और अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो बॉडी में तो क्या बोलेंगे? तो जानिए ट्यूब विद इन ट्यूब बोलते हैं, यानी माउथ भी हो और अगर एनस भी हो तो ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं बच्चे? ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब, और ट्यूब विद इन ट्यूब अगर प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं कि कंप्लीट एलिमेंट्री केनाल होगा। कौन सा क्वेश्चन था? 194, हाँ, तो यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा थ्री, ऑप्शन नंबर थ्री, एनस भी है, माउथ है, यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 195, आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टर बताइए। एक जो स्केलेटन होते हैं, हड्डियां बाहर होती हैं, सेगमेंट पाया जाता है, और जॉइंटेड अपेंडिसेस होते हैं, ऑप्शन नंबर फोर। इनके ऑप्शन क्या है? फोर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 196 में पूछा है पॉलीफेज किसमें होगा, मतलब एबसेंट होगा, सॉरी प्रेजेंट नहीं, एबसेंट। हाइड्रा तो पॉलीप होगा, फाइसेलिया, ओबेलिया, ये लो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करेंगे बच्चा, ऑरेलिया, ऑरेलिया में होगा। अब ये मत परेशान हो जाना, देखो ये मत परेशान हो जाना कि फाइसेलिया और ओबेलिया में भी तो होता है, लेकिन फाइसेलिया ओबेलिया में पॉलिप भी होता है और मेड्यूसा भी होता है, बस एक ऑरेलिया है जिसमें बस मेड्यूसा होता है। तो ऑप्शन नंबर टू सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 197, क्वेश्चन नंबर 197 है ना, अरे बहुत दिक्कतें आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 197 में प्रोबोसिस ग्लैंड इन बेलेनोग्लोसस, एकदम मतलब ये सब बेसिक कैरेक्टर हैं। प्रोबोसिस ग्लैंड एक्सक्रीशन के काम में आता है, एक्सक्रीशन, हेमिकॉर्डेटा का ये कैरेक्टर है। तो एक्सक्रीशन वाला ऑप्शन देखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर फोर में है, 197 का ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन 198, मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस का मतलब होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस का मतलब होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब एक जनरेशन छोड़ के दूसरे जनरेशन में कोई कैरेक्टर शो होना।
शो करते हैं ये ओवेलिया और फाइसेलिया पॉलिप और मेडूसा दिखा के, इसमें देखने को मिलेगा ये ओवेलिया में, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 199। 199, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल्स फोर चैम्बर, कौन सा ऐसा रेप्टाइल है जिसमें चार चैम्बर हर्ट होते हैं, एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर हर्ट होता है बेटा, यानी कौन सा ऑप्शन। ऑप्शन है फोर, फोर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200। 200 में कौन सा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, कह रहा है कि नो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल इन रेडियल सिमेट्री, ऐसा कोई जानवर नहीं है जो डिप्लोब्लास्टिक भी और रेडियल भी हो, ऐसा है क्या। हाँ देखिए तो मुझे लगता है सीलेंट्रेटा डिप्लोब्लास्टिक भी है और रेडियल भी है, ये तो गलत है। और क्या पूछा, रॉन्ग स्टेटमेंट लगता है, तीसरा और सब चेक करना है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इनका। इनका ऑप्शन हो जाएगा वन, वन ऑप्शन ही इनकरेक्ट निकला। अब मोलस्का की बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, एकदम सही है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इकाइनोडर्मिटा में एब्सेंट होता है, तभी तो वाटर वास्कुलर सिस्टम से करते हैं, ये भी सही है। इकाइनोडर्मिटा की लार्वा बाइलेटरल सिमेट्रिकल शो करती है, ये भी सही है, यानी बच्चा पहला ऑप्शन सही है। टोटल आपने 200 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, है ना, और ये सारे AIRTS के सॉल्यूशन हैं। थैंक यू सो मच अपना प्रीसियस टाइम टेस्ट में और टेस्ट के सॉल्यूशन में देने के लिए। क्वेश्चन को इजीली पढ़िए, इजीली सॉल्व करिए, एकदम आसानी से, एकदम शांत होके, और कोशिश क्या करिए कि क्वेश्चन को ऑप्शन से एलिमिनेट करें, है ना। आप ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन पास वाला है बेटा। एनिमल किंगडम अच्छा चैप्टर है, ज़्यादा वेटेज का चैप्टर है नीट का, और इसको आप एकदम ध्यान से इसके सारे ऑप्शन को, सारे एग्जाम्पल को रट जाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय गाइस।